हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैदान में। तो गाइस आज मैं बताने जा रहा हूँ धनी ऐप में जो आप 200 रुपये अर्निंग कर रहे हो, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे 200 रुपये लूटना है पर अकाउंट। तो अगर नहीं लूटे तो लूट लो। अब इसको मैं बताऊँगा कैसे आपको इसमें पेटीएम में ट्रांसफ़र करना है ये 200 रुपये। तो इसके लिए आपको पेटीएम होना चाहिए, पेटीएम में चले जाना है, अपना पेटीएम ओपन कर लेना है। पेटीएम ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए सर्च बार जो ऊपर होता है, सर्च बार पे आपको सर्च करना है रेंट, RENT, रेंट आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। और इसके बाद यहाँ पे आप सिंपली जैसे ओपन हो जाता है, देखिए यहाँ पे ऐड न्यू रिसिपिएंट लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐड न्यू रिसिपिएंट पे यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट, IFSC, कार्ड होल्डर, मोबाइल नंबर। तो जिस बैंक में आपको लेना है वो पैसा, उस बैंक में आप अपना पेटीएम बैंक दे दो, कोई भी बैंक हो उसका अकाउंट नंबर, IFSC नाम डाल दो, उसी में वो 200 रुपये जाएगा। धनी ऐप वाला जो ये 200 रुपये है उसी बैंक में जाएगा जिसका आप दोगे यहाँ पे अकाउंट नंबर। तो मैं अपने पेटीएम में ही लूँगा, तो मैं अपना पेटीएम नंबर ही डाल देता हूँ बैंक अकाउंट। चलिए मैं डाल देता हूँ। इससे पहले गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे बैलेंस कितना है इसमें, पहले आपको दिखा देता हूँ हिस्ट्री में जाके। देखिए यहाँ पे चेक बैलेंस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पेटीएम का बैलेंस दिख जाएगा आपको कितना है। उसके बाद नहीं करूँगा, देखिए अभी 5 रुपये है, अभी 200 रुपये ऐड करूँगा, दिखा दूँगा। देखिए अब जाना है यहाँ, सिंपली आपको इसमें सर्च करना है RENT रेंट, आप कर लीजिएगा। सिंपल स्टेप सारा बताऊँगा, देख लीजिएगा कैसे करना है। रेंट पे क्लिक करके रेंट ओपन करना है और यहाँ पे अपना ऐड न्यू रिसिपिएंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC अकाउंट होल्डर डाल देता हूँ। तो गाइस जैसे आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे भर लेना है, IFSC कोड डालना है और अपना अकाउंट नाम डाल देना है, जो भी अकाउंट नंबर पे नाम होगा वो डाल दीजिएगा और यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। सब कुछ आप फिल कर लीजिएगा जैसे मैं फिल किया हूँ, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर अकाउंट नंबर डालना होगा कन्फर्मेशन के लिए, दोबारा डाल दीजिएगा अकाउंट नंबर जिस अकाउंट में आपको लेना है पैसा, वो दोबारा डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जितना पैसा आपको निकालना है धनी वॉलेट से, 200 रुपये निकालना है मुझे, 200 रुपये लिख के प्रोसीड पे क्लिक कर दिया हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे जाइएगा तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड लिखा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी और CVV डालना है, तो ये आपको मिल जाएगा धनी वॉलेट में। इसमें जाके आप माई कार्ड में चले जाइएगा और यहाँ पे माई कार्ड में आपको यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी और CVV मिल जाएगा, उसको वहाँ से सिंपली आपको यहाँ पे लाके अपने पेटीएम में पेस्ट कर दीजिएगा। पेटीएम में पेस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा लोडिंग लेगा, लोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है तो वेट कीजिएगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, सब कुछ लाइव दिखाऊंगा, जैसे ही आपको मेरे बैलेंस आएगा दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे OTP डालने को पूछेगा, जो जिस नंबर से आप धनी ऐप बनाया हो उस पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे फिल करने के बाद देखिए मेरा OTP आ गया है, मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ लाइव आपके सामने। उसके बाद आपको इसमें सबमिट कर दीजिएगा, जैसे OTP फिल हो जाए सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, सबमिट हो जाएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका बैलेंस पेटीएम में आ जाएगा, धनी से कट के डायरेक्ट आपका पेटीएम बैंक में आ जाएगा। चलिए देखिए मैसेज आ गया है मेरा, यहाँ पे 200 रुपया आ गया है, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग पेमेंट लिख गया है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल लिख देगा। तो आप ऐसे ही कर लेना गाइज, अपना जितना भी धनी वॉलेट में जितना ही पैसा है आप अपने पेटीएम में बैंक में या किसी भी बैंक में पेटीएम के थ्रू ले सकते हो। पेटीएम के थ्रू आप जाके रेंट वाले ऑप्शन में जाके देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे चलिए मैं अपने पासबुक में दिखा देता हूँ जो पैसा आया है, बैक कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पासबुक में चला जाता हूँ और पासबुक को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए पासबुक अभी उस टाइम दिखाया था 5 रुपये, देखिए मनी रिसीव हो चुका है 11:00, देखिए 47:49 हो रहा है, देखिए टाइमिंग देख सकते हो। यहाँ पे देखिए 5 रुपये था, अभी 205 रुपये हो गया, जो कि धनी वॉलेट से 200 रुपये कट के मेरा डायरेक्ट। उसमें आगे रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ 0 रुपये हो गया। तो आप भी ऐसे धनी वॉलेट से जो भी आपका बैंक में लेना है सिंपली ऐसे ले सकते हो। देखिए 200 रुपये मुझे पेटीएम में स्वाइप हो गया। ये एक स्टेप है गाइस रेंट के थ्रू, इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप ऐसे ट्रांसफ़र कर लो। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा।